मोदी सरकार 3.0 का बजट आ गया है। निर्मला सीतारमन ने बजट रख दिया है और इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, किसको क्या मिला अब वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि चूंकि इस बार जो एनडीए है उसके दो बड़े सहयोगी गठबंधन हैं और उन गठबंधनों को उनके राज्यों को क्या मिला है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी प्रभात जी जुड़ गए हैं। प्रभात जी, बिहार और आंध्र प्रदेश, TDP और JDU, इनको लेकर बहुत सारी बातें, स्पेशल पैकेज की मांग बिहार कर रहा था, उसी तरह से एक नए राज्य के तौर पर आंध्र प्रदेश भी अपने लिए कुछ फंड मांग रहा था। अब ऐसे में इस बजट में आपको क्या दोनों के लिए दिखाई दे रहा है और क्या लग रहा है कि सेटिस्फाइड होंगे इस बजट के बाद ये दोनों? जी देखिए, निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण में जो चीज़ें बताई हैं बिहार के लिए और आंध्र के लिए, बिहार को डायरेक्टली स्पेशल पैकेज न देके गवर्नमेंट ने वाया मीडिया बहुत सारी चीज़ें दी हैं, कई नए प्रोजेक्ट दिए हैं, एक स्पेशल आर्थिक पैकेज इनको दिया गया है बाढ़ और सिंचाई के लिए। बिहार में दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा दिक्कत है, एक तो आपको आज तक एक्सप्रेसवे नहीं है बिहार में, तो दो नए एक्सप्रेसवे इन्होंने अनाउंस किया है, पटना से पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर। अच्छा। ये दोनों मतलब माइलस्टोन साबित होंगे अगर ये एक्सप्रेसवे बन जाते हैं तो, इससे इंफ्रा डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों के लिए बिहार को काफ़ी फायदा होने जा रहा है। इसके लिए इन्होंने 26,000 करोड़ के बजट का अनाउंसमेंट किया है, जो लेटर कोर्स ये रिलीज करेंगे और ये सारी चीज़ें होंगे। इसके अलावा जो बिहार में बाढ़ की विभीषिका है उससे निपटने में सबसे ज़्यादा, मतलब बिहार में कहा जाता है कि आधा बिहार सूखा है, आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित है, तो बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए, और बिहार की बाढ़ जो है अकेले बिहार की विभीषिका नहीं है, वो चूंकि नेपाल से नेपाल का पानी आता है बिहार में और उससे ज़्यादा तबाही होती है, तो इन्होंने नेपाल के साथ मिल के काम करने की बात कही है कि हम नेपाल के साथ मिल के बाढ़ नियंत्रण की तरफ हम जाएंगे, और इसके लिए सिंचाई परियोजनाओं के लिए इन्होंने 11,500 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है, जो एक अच्छी खासी रकम है। आप स्पेशल पैकेज की मांग करते हैं, आपको कितना मिलता है, 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, लेकिन आप छोटे छोटे पॉकेट्स में अगर आप ये इन अनाउंसमेंट को जोड़ें तो ये स्पेशल पैकेज के बराबर कहीं ना कहीं आपका अमाउंट है वो जाके बैठता है। ये जो अमाउंट है उसे रोजी रोजगार भी बढ़ेगा, अगर इतनी सारी परियोजनाएं आएंगी, इतनी सारी चीजें होंगी तो रोजी रोजगार। इसके अलावा बिहार को जो टूरिज्म सेक्टर के तौर पर मिला है कि आप राजगीर को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, आप नालंदा को टूरिज्म स्पॉट और एजुकेशनल हब के तौर पर डेवलप करने की बात कर रहे हैं, हालांकि वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें भी कुछ अमाउंट पंप किया जा रहा है। इसके अलावा आप बुद्धा सर्किट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप अगर एक इन्होंने आर्थिक रोड कॉरिडोर का अनाउंसमेंट किया है जिसपे ये है कि गया को इंडस्ट्रियल सेक्टर के तौर पर डेवलप करेंगे उसी रोड कॉरिडोर पर। इसके अलावा इन्होंने बोधगया से वैशाली एक नया रोड कनेक्टिविटी अनाउंस की है, हालांकि वो पहले से है लेकिन उसको एक्सप्रेसवे के तौर पे डेवलप करने का, तो एक तीसरा एक्सप्रेसवे ये अनाउंस किया है इन्होंने बिहार को लेके। इसके अलावा अगर आप आंध्र की बात करें, बेसिकली आप दो जो इनके घटक दल थे TDP और JDU, इन दोनों की अपनी अपनी डिमांड्स थी अपने स्टेट्स को लेके, तो बिहार को तो इन्होंने इस तरीके से दिया है। इसके अलावा आंध्रा को, आंध्रा में स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्ट के तहत कुछ चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड करी हैं। इसके अलावा 15,000 करोड़ का अमाउंट इन्होंने आंध्रा को दिया है, उसकी डिटेल्स भी काफ़ी आगे अभी क्लियर होंगी, लेकिन इसके अलावा ये है कि बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता के तौर पर 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी, और भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि भी आंध्रा को दी जाएगी ताकि ये वहाँ पे पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द से पूरा करने के लिए। की बात जब भी हमने देखी, उन्होंने यही कहा कि चूंकि हमारा एक नया राज्य है, हमें अपने राज्य को डेवलप करना है, हमारी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हमें लगता है कि जिन जिन मदों में पैसा हम केंद्र सरकार से चाहते हैं कि वो हमें मिले। अब इस बजट के बाद हम ये कहेंगे कि जो दोनों पार्टियां थी, जो जिनकी डिमांड अपनी अपनी थी, वो फुलफिल होती दिखाई दे रही है, कमोबेश दिखाई दे रही है, ये होती दिखाई दे रही है। देखिए, आप सीधे हम ये नहीं कह सकते कि भाई 100% उनकी बात मान ली गई या पूरी तरह अपने डिसीजंस थोपे गए। दबाव में भी सरकार पहले कह रही थी कि हम किसी दबाव में नहीं, हाँ हमें लगेगा तो हम जरूर उनको, सरकार ने दोनों स्टेट्स की जरूरतों का ख्याल रखा है। अभी बिहार को जरूरत है बाढ़ और सिंचाई परियोजनाओं की, बिहार को जरूरत है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये बिहार को मिला है।
आंध्रा को जरूरत है अभी इकोनॉमिक सपोर्ट की, तो वहाँ पे आप 15,000 करोड़ की राशि आप देके उनको इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहे हैं। पोलावरम उनकी सिंचाई परियोजना है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश है सरकार की। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, गवर्नमेंट के लिए भी और उनके सहयोगियों के लिए। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद अब इस बजट के बाद जो दोनों सहयोगी दल है जिनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी होती रहती हैं कि कितने दिन है, क्या स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो नहीं मिला लेकिन पैसों का आवंटन जरूर हो गया है, इस बजट को कितने नंबर देंगे और किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं विभाजा जी? देखिए, बजट को अगर 10 में से आप कहें तो मैं 8 नंबर दूंगा। 2 नंबर थोड़े से टैक्सेशन और बाकी सारी चीज़ों को लेके, जितने भी सैलरीड क्लास हैं उनकी उम्मीदें इस बार कुछ ज़्यादा थी कि टैक्स लोड उन पे थोड़ा कम हो। बहुत सालों से बढ़ा भी नहीं, उसमें चेंजेस भी नहीं हुए। बिल्कुल चेंजेस नहीं हुए हैं, तो आप ये कह सकती हैं कि भाई ठीक है, आप हमने बढ़ाया नहीं तो हमने घटाया भी नहीं है। लेकिन कुछ जो उम्मीद थी उस पे होना चाहिए था। हालांकि इस बार लोगों को ये उम्मीद थी, उनमें से एक तो गवर्नमेंट ने पूरा कर दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट की बात आप सुबह भी डिस्कस कर रही थी टैक्स एक्सपर्ट से कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या छूट मिलने वाली है, क्या मतलब उसको बढ़ाया जाएगा। दूसरा कि मेडिकल एक्सपेंडिचर पे कुछ उम्मीद थी कि कुछ नए डिस्काउंट आपको मिले, वो नहीं हुआ, तो थोड़ी सी निराशा हुई है। लेकिन बजट को 10 में से 8 नंबर दिए जा सकते हैं। चलिए, थोड़ी निराशा जरूरी है, हम लोग तो सैलरी क्लास है और हमें तो यही उम्मीद रहती है कि कुछ अगर टैक्स में छूट मिल जाए तो हमारी जेब में भी कोई कुछ पैसा आ जाए। हालांकि ठीक है, इस बार कहते हैं कि बिजनरी बजट है और 2047 का बजट लेकर प्रधानमंत्री चल रहे, तो शायद उस पर ज्यादा फोकस रहा जी। बिल्कुल, देखिए आप ये मान के चलिए कि ये पूरा बजट जो है, इसमें आप देखें तो अपने बजट भाषण के शुरुआती मिनटों में ही निर्मला सीतारमण ने ये क्लियर कर दिया था कि 9 पॉइंट्स पे फोकस रहेंगे ये सारे स्पीचेस, और उनमें से इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बेसिकली जब आपका इंफ्रा डेवलप होगा तब मोबिलिटी भी बढ़ती है आपकी और दूसरे मीन्स भी बढ़ते हैं इनकम के, तो वो इंफ्रा पे है फोकस गवर्नमेंट का और इंफ्रा का वो असर भी दिख रहा है। बिल्कुल, वो दिख रहा है, वो पहले भी प्रधानमंत्री ने बता दिया था। तो कुल मिलाकर देखिए 10 में से 8 नंबर प्रभात जी ने दिए हैं, कुछ निराशा है तो कहीं कुछ संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। तो बजट ऐसा है, हालांकि आप इसको लेकर तरह तरह की बातें होंगी, विपक्ष की बातें भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल ये बजट ऐसा है जो हमने आपको बताया।